तो आ चुका है पुष्पा 2 का टीजर और 68 सेकंड्स का ये टीजर के नाम पे जो हमारे सामने परोसा गया है ना, बहुत बड़ा पोपट कर दिया है हम सभी का, क्योंकि 68 सेकंड का ये वीडियो एक जस्ट बर्थडे विश का वीडियो है अल्लू अर्जुन के लिए। बट यू नो व्हाट, इस टीजर को देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही बहुत यू नो हवा हो गया या फिर पूरा का पूरा इंटरनेट पागल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि एक साल पहले ये जो लुक है अल्लू अर्जुन का, इसको ऑलरेडी रिवील उन्होंने कर दिया था एक पोस्टर के जरिए, जो सबसे बड़ी गलती थी शायद, पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे वो लगी, क्योंकि उसकी वजह से इस टीजर में कुछ खास हम लोग बहुत ही हक्का बक्का रह गए या फिर यू नो बहुत कुछ यू नो अचंभित हो गए, ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। बट ऑफकोर्स अल्लू अर्जुन का मैजिक है स्क्रीन पर, वो स्पेशली वो स्लोमो जहां पर वो साड़ी का पल्लू अपने एक पैर से लेकर वो ये सारी चीजें एंड ऑफ कोर्स एक मुक्के पर 10 के 10 विलन नीचे गिर रहे थे, तो वो अपना साउथ वाला जो मैजिक होता है वो स्क्रीन पर है अभी भी, और उनकी जो फेस वैल्यू है वो तो कम डेफिनेटली नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ कोर्स अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के हम सब लोग फैंस हैं। तो बेसिकली अब क्योंकि उनका ये जो लुक है, जिस तरीके से उन्होंने इस यू नो इस लुक को कैरी किया है, मुझे जेन्युइनली नहीं लगता इस पूरे धरती पर कोई और ऐसा एक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी ये कोशिश बहुत सारे एक्टर्स ने की है, मुझे नहीं लगता कि वो दूर दूर तक कंपैरिजन में भी बैठते कहीं पर, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी उस कंपैरिजन में जाना भी नहीं चाहती। सीधा बात करते हैं इस टीजर के बारे में, तो ओवरऑल ये लुक अल्लू अर्जुन का क्यों है और सीधा इस एंगल में ये मूवी क्यों ड्रॉप हो रही है या फिर क्यों लैंड हो रही है और ये कौन सा एंगल होने वाला है, तो जब मैं इसके डिटेल्स में गई तब मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात पता चली, जो कि तिरुपति शहर में चित्तूर नाम का जो गांव है, तो वहां पर आज के डेट में भी यहां पर माँ गंगम माँ का एक यात्रा का महोत्सव होता है, बहुत बड़े पैमाने पर यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं, शामिल होते हैं। वहां के लोकलाइट्स का ये विश्वास है कि माँ गंगम माँ उनकी रक्षा करती है और उनकी ग्राम देवता है, तो क्योंकि उसकी वजह से जब मैं एक मुझे बहुत ही खूबसूरत सी कथा पता चली, क्योंकि हमारा हिंदू सनातन संस्कृति जो है तो ये कथाओं पर बेस्ड है, और जो कथा मुझे पता चली तो वो कुछ इस तरीके से है। कुछ सालों पहले वहां पर एक राजा रहता था जिसका नाम था पल्ले गोंडुल्लू, और जो काफी विद्वान था, काफी पराक्रमी था, बट वे सबसे बुरी बात ये थी कि वो जितनी भी महिलाएं थी गांव की, उनको वो उठाकर लेके जाता था और उनके ऊपर अत्याचार करता था, बहुत ही दुष्कर्मी था, दुष्ट किस्म का एक राजा वो था। तो कहीं ना कहीं पे उसके जो जुल्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे दिन ब दिन, तब जाके माँ गंगम माँ का जन्म वहां पर तिरुपति शहर में चित्तूर गांव में हुआ, और वहां पर जैसे जैसे माँ गंगम माँ बड़ी होती गई वैसे वैसे उनको ये सारी चीजों के बारे में पता चला, और एक दिन ऐसे हुआ कि उस राजा पल्ले गोंडुल्लू की नजर माँ पर पड़ी, और उसके बाद देवी माँ ने उनको मारने की कोशिश की, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से वो भागा शेष चलम जंगल में और वहां पर जाके गुफा में जाके छुप गया। तो उसको उस गुफा से बाहर निकालने के लिए माँ गंगम माँ ने की यात्रा का आयोजन किया, और उस यात्रा के आयोजन के बाद लोगों को माँ ने ये कहा कि आप झूठा झूठा मुझे गालियाँ दो और ऐसा दिखाओ कि तुमने राजा पल्ले गोंडुल्लू के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती करी है और इसकी सज़ा तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी। तो ये जब बातें हर रोज़ होने लगी उस यात्रा के दौरान, तब वो राजा पल्ले गोंडुल्लू के कान पे पड़ी और वो भी भीड़ में शामिल हुआ, और उसी वक्त माँ गंगम माँ ने उसका वध कर दिया, और उसके बाद से आज तक ये लोगों का विश्वास रहा है कि माँ गंगम माँ उस पूरे गांव के लोगों की रक्षा कर रही है सभी के सभी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। और उसी के चलते वहाँ पर एक रिवाज है कि वहाँ पर जाकर इस यात्रा में जाकर मंदिर में गालियाँ दी जाती है एक दूसरे के सामने। तो इस रिवाज के चलते जितने भी पुरुष होते हैं वो चटकदार कपड़े पहन के, मेकअप लगा के, बहुत सारे कलरफुल एक गेटअप में वहाँ पर शामिल होते हैं, और इस यात्रा में वो माँ गंगम माँ के प्रति अपना एक आस्था का समर्पण दिखाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी कथा है जो मुझे पता चली, और अब उसके बाद ये जो अब सीक्वेंस दिखाया गया है अल्लू अर्जुन का, तो वो हमें वो पता चल रहा है कि वो खुद एक माँ गंगम माँ का अवतार शायद वहाँ पर बने, या फिर जैसे मैंने कहा कि जितने भी पुरुष होते हैं वो उस गेटअप में वहाँ पर आते हैं माँ गंगम माँ को प्रसन्न करने के लिए, और उस हिसाब से अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है। बट एक चीज़ जो है वो अब हम सब लोगों को ये गेस करने, क्योंकि जब
पुष्पा फिल्म जहाँ पर ख़त्म हुई, जो क्लाइमैक्स था, वहाँ पर हम सबको ये तो पता चल गया था कि ऑलरेडी अब पुष्पा के बहुत सारे एनिमीज हो चुके हैं, जैसे कि श्रीनू की वाइफ है, श्रीनू खुद है, एसपी शेखावत है, देन जॉली है उसका एक एनिमी, और सबसे बड़ा एनिमी उसका भाई है, सौतेला भाई है वो। तो मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है कि ये तीन चार एनिमीज जो उसके ऑलरेडी बन चुके हैं इस साम्राज्य में, जहाँ पर वो इतना बड़ा राजा हो चुका है, तो मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है कि जिस तरीके से पुष्पा की स्टोरी को इस वाले प्लॉट के पास आकर जब वो लैंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे कांतारा का भी हाथ इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कांतारा की सबसे बड़ी यूएसपी वही थी कि वहाँ की जो लोकल बिलीव्स थे और जो लोकल सनातन संस्कृति के इर्द गिर्द घूमने वाली जो उनकी आस्था थी, तो वो दिखाई गई थी और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो कहीं ना कहीं पर उसी के एंगल को कंसिडर करते हुए ये फिल्म भी बहुत बड़ा इतिहास डेफिनेटली रचने वाली है। डेफिनेटली गूजबम्स आ रहे हैं, क्योंकि अगेन सुकुमार है डायरेक्टर, हम सभी लोग जानते हैं, डीएसपी का म्यूजिक है जो इतना सटीक बैठता है इस पूरे टीजर में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, फिलहाल कुछ ज़्यादा रिवील नहीं भी किया है इस फिल्म में, तो वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, अल्लू अर्जुन का स्वैग, मतलब जिस अब क्योंकि उन्होंने एक औरत का गेटअप लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिंज होने के चांसेस 100% नहीं 1000% थे, बट क्योंकि ये अल्लू अर्जुन है तो उनकी वो मर्दानगी अभी भी उस अटायर में झलकती है, और जिस तरीके से वो उस साड़ी में, उस अवतार में सारे दुश्मनों को मतलब मार गिरा रहे हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कोई और इस कैरेक्टर को पुल आउट भी कर सकता था एक्सेप्ट अल्लू अर्जुन। तो येस, आई एम एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर टू कम आउट, एंड लेट्स जस्ट स्टे ट्यून्ड। मुझे ये टीज़र बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोगों की क्या राय है इस टीज़र को लेकर, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो इस स्टोरी के इर्द गिर्द, अगर आप तेलंगाना से हो, अगर आप आंध्र प्रदेश से हो, अगर आप तिरुपति से हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।